नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनेस्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने आया हूँ। आज यहाँ पे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके जो वेरी फेमस जो आपका आजकल एग्ज़ाम चला है सी टैट के बारे में। सेंट्रल लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सी टैट। ओके, बहुत सारे क्या आप में से मैक्सिमम लोग जो है सी टैट जो हो देंगे और कुछ लोग जो है सी टैट दे भी चुके होंगे। तो कुछ मेरे क्या उसमें पर्सनल उसमें क्या उसमें मेरे जो मैंने कल उसको एग्ज़ाम को देके आया मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या आपको कमियाँ हैं वहाँ पर, क्या आपको कमियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या क्या मतलब जो चीज़ मैंने की मैंने चाहता कि वो आप में से बहुत सारे लोग वैसे चीज़ करें, तो क्या क्या था मेरा एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपके बात करूँगा कि जब आप भी टेस्ट देने जाओ तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए और साथ में आपका जो आईडी प्रूफ होता है फ़ोटो आईडी प्रूफ वो होना चाहिए। कौन सा आपका? एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ में आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ। और एक और बात है कि आप समय से पहले पहुँचें। जब आपका समय हो जाएगा तो आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ऑनलाइन थोड़ी सी प्रक्रिया रहती है जिसके थ्रू आपको सिस्टम अलॉट होता है, क्योंकि ये अब ऑफलाइन टेस्ट नहीं रहा है, ये ऑनलाइन टेस्ट है। ये सीबीटी के थ्रू होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है अब ये। तो उसमें से आपको पहले कंप्यूटर अलॉट करना होगा, तो वो लॉगिन होगा तो पूरे हिंदुस्तान के एक साथ में लॉगिन वगैरह होता है, एक साथ आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होता है, एक साथ आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म होता है। तो सबसे पहले टाइम से ज़रूर पहुँचें, फिर नेक्स्ट बात आएगी आपकी कि एक तो टाइम से ज़रूर पहुँचें, फिर साथ में आपका अपना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड ज़रूर लेके जाएं। अब बात आती है पहले टेस्ट की, ठीक है। पहले टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पढ़ना कहाँ से क्या क्या किया होगा आपने, ठीक है। पहला टेस्ट है जो कि PRT के लिए होता है। फर्स्ट आपको पेपर वन है वो PRT के लिए होता है और आई थिंक BEd वाले PRT के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं है। वेरी मच श्योर इस बात के लिए कि आपका PRT के लिए आपका BEd वाले एलिजिबल नहीं है। पेपर वन का आपका सिलेबस रहता है CDP होगी आपको एक, फिर सेकंड वन आपका EVS होता है, फिर थर्ड वन आपका होता है इसमें CDP होगी EVS होगी, एक तो आपका लैंग्वेज वन और चौथा आपका लैंग्वेज टू रहता है। साथ साथ में इसमें आपका रहेगा हिंदी हो गया, इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश होगी, EVS होगा, CDP वगैरह होगी इसमें, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम रहता है आपका CDP, इसको ज़्यादा मैं वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था PRT के लिए, क्योंकि BEd वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। तो CDP वेल नोन सोर्स है आपका हिमांशी सिंह, आपने वहीं से ही किया होगा। कुछ लोग सचिन अकेडमी से करते हैं, बहुत सारे हैं जहाँ से आपका CDP जो है वो आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। EVS के भी नोट्स आपको कहीं से मिल जाएंगे। जो मैंने पेपर दिया EVS बहुत गंदे लेवल की आई थी, पता नहीं क्यों था ऐसा, पर बहुत अजीब सा लेवल था EVS का। तो वो EVS का सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे, दो चार क्वेश्चन सीधे थे, बाकी थोड़े से क्वेश्चन घुमा दिए थे, ठीक है। पेडागोजी जो हिमांशी करवाती है उससे थोड़ा सा हटके थी पेपर वन में भी, ठीक है। पेपर टू का लेवल ही गज़ब था, लेकिन पेपर वन में भी तो मुझे लगता है कि पेपर वन में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सही तरीके से इन्होंने पूछ लिया था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का पूछ लिया था। बाकी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू पैसेज आएंगे फिर तो वेल एंड गुड, पैसेज कर लेंगे, लेकिन जब साथ में आपको आ जाता है आपका इसमें आपको पेडागोजी आ जाती है, पेडागोजी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठ के पेपर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो नहीं हो पाता, वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट नहीं दिया होता है। ओके, पीपीए थी आपकी आपका पेपर वन की बात। ओके, इसमें कौन सा एक स्किप कर रहा हूँ मैं, CDP होता है, EVS होता है, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, इसमें एक सब्जेक्ट और भी आता है आपका, वो कौन सा होता है, वो आपका मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स आता है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स वगैरह आएगा इसमें, फिफ्थ आएगा आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी सिर्फ फंडा यही था, आप कर लोगे आप पेडागोजी वगैरह, इस मैथमेटिक्स का सिंपल कैलकुलेशन थी आपके पेपर वन में, तो वो तो ईजिली हो गया था। लेकिन पेपर टू की बात करूँगा मैं अभी, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई, हिमांशी माता रानी भी यहाँ पर थोड़ी सी मुझे फेल होती हुई दिखी। अब होगा क्या, पेपर वन में CDP आएगी, फिर आपका मैथ्स और साथ में साइंस आएगी, फिर आपका लैंग्वेज वन
और आपका लैंग्वेज 2 आता है। CDP EVS इसमें नहीं आता है, ये शायद 60 नंबर की आ जाती है, ये 30 का, ये 30 का और ये 30 का। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगा CDP की। CDP का लेवल काफ़ी गजब लेवल था, मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी हो गई है। आई थिंक इसमें पेपर अब तक हुई नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैच कर पाएंगे लेवल को। ऐसे तो कोई फंडा ही नहीं है जिसमें जो हो वो इसमें सिर्फ पेपर वे एक लेवल का सेट कर सके। लैंग्वेज बहुत गंदी थी इसमें। ठीक है, मैथ और साइंस, साइंस की जैसे सोचा था क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन नहीं थे, वो साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन थे, बहुत गंदे लेवल के थे। और कंप्यूटर के ऊपर वहाँ पे लिखने में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ आता है, तो कई बार जो पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी लैंग्वेज टू पैसेज आते हैं, लेकिन पैसेज के लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें इंग्लिश वाले में हिंदी में पूछा जाएगी कि इसमें छंद कौन सा यूज़ हुआ है, पता नहीं क्या था, वो अजीब था। और इंग्लिश वाले में थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं कि बताओ कि इसमें पूरा ही कौन सा है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, ये कौन से लैंग्वेज की बात करिए, मतलब थोड़ा सा जिसने पढ़ा नहीं होगा, बात तो वही है जिसने पढ़ा नहीं होगा उसकी बात, उसके लिए तो ये सारे ही टफ आएंगे। अब मैं बात करूँगा कि गलतियाँ वो कहाँ कहाँ नहीं करनी, जिनका भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ गलती ना करें। एक तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे लगा के लिख जाएं, सिपाही हिमांशी के ऊपर हिमांशी के भरोसे ना रहें, ओके, हिमांशी से के भरोसे ना रहें। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो अब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है खुद से ही करनी पड़ेगी। जब वो हिमांशी सिंह कुछ भी करवाते हैं तो वो खुद से एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है, लेकिन हम जो है उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले खुद से ज़्यादा क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे आपको, ताकि आप और जितने भी अभी हो रहे हैं, जैसे आज की शिफ्ट हुई, कल की शिफ्ट हुई, परसों की शिफ्ट हुई, तो कुछ लोग जो है वो अपना देते हैं कि यहाँ से पढ़ के जाएं जी, यहाँ से इतना पेपर रहता ऐसा आया था, यहाँ से पेपर इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे गए, तो वो ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, बाकी लेवल जो है वो कभी ज़्यादा कम जो चलता ही रहेगा, ये तो आपको पता है कि चलता ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा लैग लगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं बहुत सारे, CDP के हों, चाहे आपका लैंग्वेज के हों, लैंग्वेज 2 के हों, किसी के भी हों। आपको साइंस मुझे लगता कोई नहीं पढ़ाता, साइंस की पैडागोजी कोई नहीं करवाता ढंग से, तो उसको आपको मतलब उसको करके ज़रूर जाएं। मैथ्स कोई नहीं पढ़ता, हर कोई CDP के ऊपर ध्यान देता है कि हम CDP करेंगे और पैडागोजी करेंगे अब हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो वो करनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी जो कि आपको प्रीवियस ईयर से भी भरपूर होंगी। और एक और बात, जब बात आती है कि प्रीवियस ईयर की, हाँ आते हैं, इतने भी नहीं आते कि आपके 90 नंबर बन जाएँ, कि 90 के 90 क्वेश्चन ही आपके प्रीवियस ईयर के ही हो जाएँ, ऐसा भी नहीं होता है। आते हैं, 20-30 आएंगे, नो डाउट आएंगे, लेकिन इतना नहीं आएंगे कि आपके 90 नंबर ही सारे रिपीट हो जाएँ। तो प्रीवियस ईयर के ऊपर भी इतना भी भरोसा ना करें कि प्रीवियस ईयर के ऊपर ही आप रिलाई करते रहो और प्रीवियस ईयर आपका आता रहेगा, नहीं, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलता है रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मॉक टेस्ट तो अब शायद आप तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब तो मतलब डीमोटिवेट ही होते हैं। जिनका पेपर लास्ट में, तो वो एक आध दो दिन चांस ले सकते हैं अपना कि हम करें, प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट को, लेकिन नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो बहुत सारे पढ़े प्रीवियस ईयर को पढ़ने पर इतना भी ना पढ़े कि आपको उसे प्रीवियस ईयर के भरोसे ही चले जाएँ वहाँ जाके। आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, और मेन बात क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। जब तक आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, आपके ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, पता नहीं चलता कि सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन गलत कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत मतलब मिस्टेक हो जाती है। और दो शिफ्टों में पेपर होता है, सुबह वाले शिफ्ट में जो PRT के लिए होता है आपका, उसमें तो आप फुल एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जब सेकंड पेपर आता है आपकी एनर्जी बहुत डाउन चली जाती है और कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाती है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि किस तरह से आपकी कंसंट्रेशन जो हो आप अपने मेंटेन करनी है, लेकिन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी तभी, क्योंकि और बीच में गैप होता है 2.5-3 घंटे का, तो वो भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है। मतलब नहीं क्या ही करेगा बंदा, जैसे ज़्यादा कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, तो कंसंट्रेशन जो है वो, और कंप्यूटर के सामने कंसंट्रेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है जिसने प्रैक्टिस ना की हो। सर में दर्द हो जाती है, वो अलग से उनका जो है वो रहता है। ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे तो सर में दर्द लग पड़ी थी और मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था,
ये मुझे मेरी खुद की गलती थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये था हमारा कि क्या क्या गलतियाँ वो करनी, क्या क्या नहीं करनी है। बाकी कुछ कुछ आपकी क्वेरीज होंगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कम अपने कमेंट बॉक्स में कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और मुझे लगता कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता था या ये कर सकता था। बाकी बहुत गंदी लैंग्वेज आती है पेपर टू की, तो पेपर टू के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। पेपर टू का मतलब समझ लेना कि पेपर टू ही है। पीआरटी के लिए तो ऐसे भी बीएड वाले एलिजिबल ना हैं, तो पेपर वन क्लियर भी हो जाएगा फिर भी क्या फ़ायदा, पेपर टू तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सजेशन दें कुछ भी, जो भी बच्चे नए हों जो भी वीडियोस देखेंगे उनके लिए सजेशन जरूर दें कि क्या क्या उनको कमियां हैं लगी और क्या क्या कमियां उनको दूर करनी है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हुए आपके दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।